गोरला में जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने रमन सिंह से मुलाकात को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि रमन सिंह से उन्होंने सौजन्य मुलाकात की है, वे किसी दल में नहीं जा रहे हैं। जैसे जो समझना है वो समझे, बी टीम समझते हैं तो बी टीम समझे। उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, ये चर्चा तो जोरों पर है, लेकिन इस चर्चा के बीच अब एक चर्चा और जोरों पर है कि आखिर अचानक जो है धर्मजीत सिंह ने रमन सिंह से मुलाकात क्यों कर ली, क्यों कर ली सर? अब इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वो पिछले दो दिन से मरवाही और गोरेला पेंड्रा में अपने पार्टी के प्रचार में आए हुए हैं। मैं अपनी पार्टी के अपने आदरणीय साथी या आदरणीय डॉक्टर रेणु जोगी, अमित जोगी और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूँ। तो अब मुझे जब पता चला कि वो आए हैं तो मैं उनसे सौजन्य भेंट करने उनके पास गया और उन्होंने बड़ी कृपापूर्वक सहृदयतापूर्वक मुझे चाय पिलाई और हम दोनों के बीच में चाय में चर्चा हुई। कहीं ऐसे तो नहीं कि रमन सिंह जी जो है तनाव में होंगे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, चूंकि आप लोग तो चुनाव लड़ नहीं रहे तो सलाह लेना चाह रहे होंगे? डॉक्टर रमन सिंह तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे और बहुत हंसमुख अंदाज में वो बात कर रहे थे। उनके चेहरे में तो मुझे कई कई किलोमीटर दूर तक के कोई तनाव दिखाई नहीं दिया। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत चर्चा हुई, हर प्रकार की चर्चा हुई, राजनीतिक चर्चा भी हुई। कांग्रेस हमेशा से ये कहते रही है कि बीजेपी को अक्सर जो है जोगी कांग्रेस की मदद की जरूरत पड़ती है, जोगी परिवार की मदद की जरूरत पड़ती है। अब अचानक आप लोग मिले हैं, चूंकि आप लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये चर्चा अब और ज्यादा जोर शोर से होगी। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से हम लोगों को बी टीम बोलती है, तो हम कितनी परवाह करें उनके बी बोलने का? उनको जो अंदाजा लगाना है लगा लें, हम गए थे और जरूर जाएंगे। आर के राय जो है शामिल भी हुए हैं बीजेपी की सभा में और चर्चा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी मुलाकात भी हुई? नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, पर आज तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। पर लोगों में गुस्सा है इस बात का कि अजीत जोगी के परिवार को खत्म करने का षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री लोग यहाँ कर रहे हैं, जिससे लोगों में नफरत है, गुस्सा है, आम आदमी में गुस्सा है, मरवाही की जनता में गुस्सा है। वो मरवाही की जनता जो अजीत जोगी को बेहद प्यार करती है, उनके परिवार को अपना सहारा और संबल बनना चाहते थे, उनसे आपने वंचित कर दिया प्रशासन के अधिकारियों के उस रिपोर्ट के आधार पर जो स्कूटी के एक दिन पहले उन लोगों ने दिया। कलेक्टर रेक्टर का रिपोर्ट क्या है? मुख्यमंत्री के अधीन तो होता है, या हाई पावर कमेटी कौन है? वो भी मुख्यमंत्री के अधीन है। कर नहीं था रिजेक्ट तो पहले कर देते, ताकि हाई कोर्ट से इससे ले आते। 16 तारीख को आप रिजेक्ट कर रहे हो, 17 तारीख को नामांकन की स्कूटनी फार्म रिजेक्ट कर दिया, आपने चुनाव नहीं लड़ने दिया। कांग्रेस डरी हुई है अजीत जोगी के परिवार से, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती। वैसे भी मरवाही में श्री भंवर सिंह पोर्ते जो एक आदिवासी नेता थे, उनको अर्जुन सिंह जी ने समाप्त कर दिया राजनीतिक रूप से, और अजीत जोगी और अजीत जोगी के परिवार को कांग्रेस पार्टी जीते जी, और मरने के बाद भी उनको अपमानजनक शब्दों से इनके बड़े नेता इस चुनाव में बोल रहे हैं। कोई फर्जी बोलता है, कोई पाखंडी बोलता है, कोई निकम्मा बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, तो ये इस परिवार को खत्म करने की साजिश है। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। और हमसे बातचीत करने के लिए धर्मजीत सिंह, जिन्होंने सिरे से जो है खारिज कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ थे और उन्हीं के साथ रहेंगे, जिनको भी जाना है कहीं भी किसी भी दल में तो वो सीधे जो है जा सकते हैं, उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जहां तक है उनका जो सवाल है तो मुलाकात तो होती रहेगी, लेकिन वो जोगी के साथ बने रहेंगे। फिलहाल मरवाही में जीत किसकी होगी ये जानने के लिए हमें 3 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, मरवाही।